हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की रेसिपी है अदरक का अचार। तो देखते हैं अदरक का अचार बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने नींबू लिए हैं, मैं बड़े साइज़ के 5 नींबू लिए हैं और आधा किलो अदरक लिया है मैंने। हम अदरक को अच्छे से पहले छील करके साफ़ कर लेते हैं और ये इनके जो छोटे छोटे गाँठे हैं इनको निकाल देते हैं। हमें इन्हें फेंकना नहीं है, इन्हें निकाल करके, क्योंकि इनको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, हम इसे निकाल करके रख देते हैं। इनसे मसाले में या फिर हम चाय बनाने में यूज़ कर लेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी जो गाँठें हैं इन्हें हम निकाल करके साइड में रख लेते हैं और जो बड़ी गाँठें हैं उनका ही यूज़ करेंगे अचार बनाने में। इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, इसको हमें फेंकना नहीं है, हम इसे रख देंगे और इसका हम अचार बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अदरक अच्छे से साफ हो चुके हैं। मैंने इसे धूप में रख कर सुखा लिया है अच्छे से और ये छोटे जो गाँठें थी उन्हें निकाल करके अलग कर लिया। ये साफ़ करने में काफ़ी परेशानी होती, इन्हें हम सब्जी में डाल देंगे या फिर चाय में डाल देंगे। अब हम इन्हें काट लेते हैं। इस तरीके से हमें पतले पतले गोल स्लाइसेस में इन्हें काट लेना है, पतले पीसेस में काटना है। इस तरीके से बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है अदरक का अचार। आप आराम से इसे बना करके साल भर तक स्टोर कर लेंगे। ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ साल भर तक स्टोर करने वाला अदरक का अचार। बहुत ही आसान रेसिपी होती है। इस तरीके से हम सारे अदरक को काट करके रख लेंगे। बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है अदरक का अचार। अब इस तरीके से हम नींबू को भी साफ़ कर लेंगे। हमें इसके ऊपर के छिलके निकाल देने हैं। अदरक के अचार में नींबू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप महीने भर बाद जब अदरक का अचार खाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप अदरक का अचार खा रहे हैं और इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इस तरीके से हमें लाइन बनाते हुए नींबू के ऊपर से इसके छिलके निकाल देने हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसके छिलके निकल करके साफ़ हो जाएंगे और हमें इसके छिलकों को फेंकना नहीं है, इसका भी यूज हम अचार में करने वाले हैं। इस तरीके से हम सारे नींबू को छील लेंगे, इसके छिलके हम संभाल के रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे नींबू छील करके अच्छे से तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें काट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अदरक अच्छे से कट करके तैयार हो चुकी है। हमने सारी अदरक को काट लिया है, अब हम नींबू को भी इसी तरीके से काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले लिए, हमें थोड़े ही मसाले चाहिए नींबू के अचार के लिए। हम नींबू को काट लेते हैं, हम इस तरीके से नींबू को काट लेते हैं और फिर इनको बीच से हम कट लगाते हुए जाते हैं। इससे इनका रस अच्छे से निकल जाएगा अचार में। जब इनको अचार बनाएंगे तो अचार में धीरे धीरे करके 2 से 3 दिन में, 4 दिन में इनका पूरा रस निकल जाता है अपने आप ही नमक डालने के बाद, और अदरक का बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। अदरक में बिल्कुल मिक्स हो जाता है। नींबू और अदरक का अचार बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारी दादी जब भी नींबू का अचार बनाया करती थी अदरक के साथ मिक्स करके, तो उसे 3 साल के लिए या 2 साल के लिए इकट्ठे बना के रखती थी और वो स्पेशल एक मिट्टी के बर्तन में या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन में ही उसे रखना पसंद करती थी। वो कहती थी कि नींबू का अचार जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। इससे पेट की समस्याएँ सारी दूर होती हैं, अपच या उल्टी या आपको बदहजमी जैसी शिकायत है तो आप एक पीस नींबू का अचार खा सकते हैं। और जब भी घर में हैवी फूड बनता था, पूड़ी कचौरी ऐसे जब भी खाने बनते थे, वो तो सबको ना थोड़ा थोड़ा नींबू का अचार ज़रूर खिलाया करती थी, इससे हाजमा बिल्कुल सही रहता है। हमने सारे नींबू काट लिए हैं और हमने इसे अदरक वाले बर्तन में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, यहाँ पर 4 चम्मच के लगभग मैंने लिया है पीली वाली सरसों, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, इसे भी हम डाल देंगे। आप जो भी मसाले अचार में डालें वो अच्छे से सूखे हुए होने चाहिए। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
वैसे तो नींबू का अचार सादा ही बनाया जाता है, उसमें बस नमक पड़ता है, इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर हम नींबू के साथ में अदरक को मिक्स करके बना रहे हैं अदरक का अचार, इसलिए मैंने इसमें मसाला डाला है। सरसों जो होता है वो अचार को ख़राब होने से बचाता है। इस तरीके से आपका अचार आराम से साल भर तक चलेगा और ख़राब नहीं होने वाला है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके थोड़े थोड़े से रस ऐसे दबाते हुए हाथ से निकाल देते हैं, इससे जो हमारे अचार का ड्राइनेस है ना, थोड़ा सूखापन है, वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार बन करके तैयार होगा। आप आराम से इसे महीने भर बाद खा सकते हैं। इस तरीके से हमें कुछ नींबू के रस निकाल देने हैं और इसी में डाल देना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी अचार होता है नींबू और अदरक का, दोनों में ही भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। अगर आपको कभी भी अपच की शिकायत होती है या फिर बदन में जैसा फील होता है या कुछ भी ज़्यादा तला भुना खा लेते हैं, तो थोड़ा सा नींबू और अदरक का अचार खा लीजिए। इससे आपको राहत मिलेगी, पेट फूलना और बदहजमी जैसी शिकायतों से छुटकारा मिलेगा। और पेट में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का ज़्यादा खाना खा लिया है, तब भी आप नींबू और अदरक का अचार खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी होती है नींबू की और अचार अदरक के अचार की। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने बचे हुए जो छिलके थे नींबू के, इस तरीके से नीचे साइड में डाल दिए। जब आप पिकल पॉट में अचार को रखें तो इस तरीके से नींबू के छिलके को नीचे डालिए और उसके ऊपर सारे अचार को डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, नींबू का रस धीरे धीरे नीचे साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और छिलके में अपने आप ही खट्टापन और नमक मिक्स हो जाएगा और इससे छिलके का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। धीरे धीरे नीचे पड़े होने के कारण छिलका आसानी से गल जाएगा। आप ऊपर से अचार खाते रहिए और सबसे लास्ट में आपको छिलका अच्छे से अचार के रूप में बना हुआ मिलेगा। इससे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है नींबू के छिलके में। इसके छिलके को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसका भी बहुत स्वादिष्ट अचार बनता है। तो इस तरीके से आप पिकल पॉट में भर करके रख दीजिए और ऊपर से उस पर अचार डाल दीजिए और ढक्कन लगा करके अचार को रख दीजिए और ऊपर से एक मलमल के कपड़े से या सूती साफ कपड़े से बांध करके रख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार बन करके तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी अचार बन करके तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आराम से साल भर तक चलेगा। हमें इसमें किसी तरीके का ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नींबू में अपने आप ही बहुत सारा जूस निकल आता है। एक दो हफ्ते में आराम से पूरा अचार जूस से भर जाएगा और अचार ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।